वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज, चाईबासा से। आज मैं सेमेस्टर थर्ड के स्टूडेंट के लिए, जिनका पेपर कोड है CC5 यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है सोशल अकाउंटिंग। तो सोशल अकाउंटिंग के संदर्भ में हमें ये देखना है कि सामाजिक लेखांकन या सोशल अकाउंटिंग किसे कहते हैं, सोशल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर सोशल अकाउंटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं, यानी सामाजिक लेखांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि सोशल अकाउंटिंग किसे कहते हैं। सोशल अकाउंटिंग जनरली राष्ट्रीय आय गणना की एक आधुनिकतम विधि है, यानी जब राष्ट्रीय आय के द्वारा किसी देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, उसी तरह से सोशल अकाउंटिंग जो एक मेथड है, इसके जरिए किसी भी देश के अंतर्गत उसकी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच एक अंतर संबंध को स्थापित किया जाता है, लेकिन एक सांख्यिकी विधि के द्वारा, ताकि अर्थव्यवस्था की पूरी जानकारी मिल पाए और आर्थिक विकास को सही ढंग से आंका जाए। तो सोशल अकाउंटिंग के विषय में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इसे अर्थशास्त्र में सोशल अकाउंटिंग या सामाजिक लेखांकन शब्द जो है, ये सबसे पहले J.R. हिक्स ने 1942 में इसको सम्मिलित किया था इकोनॉमिक्स में। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि को सामाजिक लेखांकन विधि यानी सोशल अकाउंटिंग मेथड, या फिर इकोनॉमिक अकाउंटिंग मेथड, या फिर मेथड ऑफ पॉलिटिकल अर्थमेटिक भी कहते हैं। राष्ट्रीय आय गणना की राष्ट्रीय आय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन विधि का प्रतिपादन जो है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के रिचर्ड स्टोन के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन विधि किसी भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर संबंध को व्यक्त करने वाली एक सांख्यिकी विधि है, ताकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति को अच्छी तरह से समझा जा सके। प्रोफेसर केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत के विश्लेषण में राष्ट्रीय आय और उसके घटकों का विश्लेषण किया है। अन्य अर्थशास्त्रियों में साइमन कुजनेट्स, लियोन्टिफ, रिचर्ड स्टोन आदि का काफी प्रमुख योगदान रहा है इस धारणा को विकसित करने में। UNA यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग की भी राष्ट्रीय आय लेखांकन को विकसित करने में काफी उल्लेखनीय भूमिका रही है। तो ये आप सामाजिक लेखांकन या सोशल अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन में आप इस तरह से आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। फिर इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन को विकसित करने का सुव्यवस्थित प्रयास 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के गठन से हुआ। 1950 में गठित राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण निदेशालय यानी NSSO में की राष्ट्रीय आय के आंकड़े एकत्रित करने तथा उनका विश्लेषण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO ने 1960-61 से 1960-64 की अवधि के लिए राष्ट्रीय आय की संशोधित श्रृंखला को भी एक ब्लू बुक में प्रकाशित किया, तथा उसके बाद से राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का प्रकाशन प्रतिवर्ष CSO के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप ए में ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय सांख्यिकी का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो ये CSO के द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय आय का श्वेत पत्र यानी व्हाइट पेपर ऑन नेशनल इनकम भी कहा जाता है। इस प्रकार NSSO और CSO ने राष्ट्रीय आय लेखांकन को भारत में विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन को अब एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विवरण तथा विश्लेषण के लिए केंद्रीय ढांचा यानी सेंट्रल फ्रेमवर्क समझा जाने लगा है। इसे अर्थव्यवस्था की संरचना के अध्ययन के विधि के रूप में माना जा सकता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति या फर्म अपनी व्यावसायिक स्थिति की जानकारी के लिए अपनी आय व्यय के लेखे अकाउंट्स तैयार करती है, उसी प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए भी लेखे तैयार किए जाते हैं, जो दोहरी लेखा प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होते हैं, जिसमें एक तरफ रिसिप्ट्स यानी प्राप्तियां तथा दूसरी तरफ भुगतान यानी पेमेंट्स को दर्शाया जाता है।
इस पद्धति से अर्थव्यवस्था की विभिन्न आर्थिक इकाइयों यानी इकोनॉमिक यूनिट्स और क्षेत्रों यानी सेक्टर्स के आंकड़ों को मैट्रिक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पारस्परिक संबंधों को समझने में मदद मिलती है। इस तरह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किए गए अकाउंट्स को नेशनल अकाउंटिंग्स अथवा नेशनल इनकम अकाउंटिंग अथवा सोशल अकाउंटिंग कहा जाता है। अब इस संदर्भ में बहुत से अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से परिभाषा दी है, जैसे रिचर्ड स्टोन एंड जीसी मरे के अनुसार उन्होंने कहा है, सामाजिक लेखांकन शब्द सामान्य रूप से एक अर्थव्यवस्था के समस्त वास्तविक तथा आरोपित लेन देन की संगठित व्यवस्था को व्यक्त करता है। उसी तरह से फ्रैंक जॉन के अनुसार उन्होंने कहा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से सामूहिक आर्थिक क्रियाओं को समझा और मापा जाता है। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह आसानी से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय लेखांकन अथवा सामाजिक लेखांकन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक क्रियाओं और उसके पारस्परिक संबंधों की सांख्यिकी व्याख्या और विश्लेषण करने का एक ढांचा प्रस्तुत करता है। अब देखेंगे कि नेशनल अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं। अगर आपसे ग्रुप बी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय लेखांकन की क्या विशेषताएं हैं, तो इसे आप बहुत आसानी से पॉइंट्स में डील कर सकते हैं। मैंने एक नोट्स तैयार किया है आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि पहला पॉइंट्स में आप दे सकते हैं कि जिस तरह से चिकित्सा विज्ञान में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में राष्ट्रीय लेखांकन एनाटॉमी की तरह, जिसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों की संरचना का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप दे सकते हैं, राष्ट्रीय लेखांकन केवल सांख्यिकी जानकारी ही नहीं देता बल्कि आंकड़ों को उस प्रकार प्रस्तुत करता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों के बीच पारस्परिक संबंधों को आसानी से समझा जा सके। फिर आप थर्ड पॉइंट में दे सकते हैं, राष्ट्रीय लेखांकन से अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन किया जाता है, किंतु यदि अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझना हो तो हमें थ्योरी ऑफ वैल्यू को समझना होगा, अर्थात राष्ट्रीय लेखांकन का संबंध अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली से बिल्कुल नहीं है। फिर चौथा पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय लेखांकन में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सांख्यिकी विवरणों की सहायता से प्राप्त कुल उत्पादन तथा कुल आय में समानता पाई जाती है। उसी तरह से पांचवा पॉइंट में आप देख सकते हैं, यह पारस्परिक संबंधों और प्रवाहों को स्पष्ट करते हुए अर्थव्यवस्था के विश्लेषण का एक ढांचा यानी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अब अगर आप इसके बीच में डिफरेंस की बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग यानी राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय लेखांकन के बीच में क्या अंतर है, तो आप इसको बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, किसी भी देश में एक वर्ष में जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका कुल मौद्रिक मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है, किंतु राष्ट्रीय आय लेखांकन एक ऐसी विधि है जो अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के सांख्यिकी वर्गीकरण एवं विश्लेषण से संबंधित है। इस प्रकार दोनों में स्पष्ट अंतर है। राष्ट्रीय आय लेखांकन की व्याख्या करते समय सांख्यिकी वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है, इससे यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि ये दोनों एक ही है। वास्तव में दोनों में भेद है, दोनों में अंतर है। सांख्यिकी तो एक विज्ञान है जो उन समंको यानी डेटा के संग्रहण यानी कलेक्शन प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण से संबंधित होता है जो संख्यात्मक रूप से मापे जा सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय आय लेखांकन के विश्लेषण में सांख्यिकी की बहुलता से प्रयोग की जाती है, किंतु सांख्यिकी रूप में हम आर्थिक चरों यानी इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंतर्गत के अंतर संबंध को ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि राष्ट्रीय आय लेखांकन हमें इसकी जानकारी देता है। जैसे राष्ट्रीय आय और जनसंख्या में क्या संबंध है, इसकी जानकारी राष्ट्रीय आय लेखांकन से ज्ञात की जा सकती है। इस तरह स्टूडेंट आप सोशल अकाउंटिंग यानी सामाजिक लेखांकन या इसे आप नेशनल इनकम अकाउंटिंग कह सकते हैं, अगर इस पर कोई प्रश्न आए तो आप आसानी से इसे तैयार करके लिख सकते हैं। जनरली अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे सोशल अकाउंटिंग में, तो ये क्वेश्चन आपसे ग्रुप बी में पूछे जाने की संभावना है। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि नेशनल अकाउंटिंग को समझाएं या सामाजिक लेखांकन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। या अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नेशनल अकाउंटिंग और नेशनल इनकम के बीच में क्या अंतर है, तो आप इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊँगा। थैंक यू।